पश्चिमी राजस्थान में विलुप्त होती संस्कृति एवं राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बाड़मेर इंटक चैप्टर की ओर से कला एवं संस्कृति मेला आयोजित किया गया और इसमें कई बाड़मेर जैसलमेर के कला और इस यहाँ की संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। जोधपुर के पूर्व नरेश महाराजा गज सिंह ने पूरे मेले का निरीक्षण किया। वहीं हमारे संवाददाता ने जोधपुर के पूर्व नरेश महाराजा गज सिंह से खास बातचीत की। पूर्व नरेश महाराजा गज सिंह 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर पर है और यहाँ पर जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति उसके दौरान कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संस्कृति का ह्रास होता चला जा रहा है इन दिनों मारवाड़ में। संस्कृति विलुप्त जो भारतीय संस्कृति है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्या समझ? ये तो सब जगह है और इसलिए मैं अभी यहाँ खास करके इंटैक जो भारतीय स्तर पर काम कर रही है संस्कृति के बारे में, तो उसके जो राजस्थान का चैप्टर है उसका गर्मी मैं हूँ सारे राजस्थान और यहाँ अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज और ये भी बाड़मेर चैप्टर की मीटिंग यहाँ हुई है तो उसमें मैं लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। यहाँ का लेखा जोखा देखने के लिए आए हैं और अगले महीने एक सारे चैप्टर्स की मीटिंग हो रही है बीकानेर में, तो वहाँ भी ये होते हैं हमारे चैप्टर्स काम करते रहते हैं और ये लोकल लेवल पर ये अलग अलग गोष्ठी करा देते हैं, बच्चों के साथ आउटिंग्स करते हैं, सिटी वॉक वगैरह और जो कुछ भी यहाँ जो हो रहा है उसको देखते हैं, जो सही हो रहा है बुरा हो रहा है उसको लिए रोक लगाने के लिए या और दूसरी कोई चीज़ों को लोगों की आँखें में लाने के लिए अपना इतिहास है ये है, तो ये मतलब एक उनका काम है। एक न्यास जो है भारतीय न्यास इंटेक चैप्टर वो हेरिटेज, उसके अलावा न केवल सब लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारा हम कौन हैं, ऐसे जो आज भारत की पहचान है वो भारतीय संस्कृति की पहचान है, वो नहीं कि हमने जो विदेशों से सीखा है ये साइंस वगैरह अपने भी था, वैदिक साइंस है वैदिक मैथमेटिक्स है, लेकिन हमें जो आध्यात्मिक रूप से जो हमारी परंपरा रही है भारत में वो सारे सारा विश्व हमारी तरफ देखता है। तो पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की संस्कृति का विशेष रूप से ह्रास हो जा रहा है, कम होती जा रही है संस्कृति पश्चिमी राजस्थान में? सबसे ज़्यादा तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारी भाषा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है जो औपचारिक भाषा है हिंदी है जो देश की भाषा है और स्टेट की औपचारिक भाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और सबको सीखनी चाहिए, ये कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट्स भी हैं यहाँ देखो वो अपनी भाषा करते हैं, मराठी है गुजराती है पंजाबी है ये सब और सदर्न स्टेट्स में सबके अपनी अपनी भाषा है। तो ये थे महाराजा गज सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो राजस्थानी भाषा है उसको लेकर यहाँ के जो राजस्थान के MP है उनको केंद्र सरकार तक बात पहुँचानी चाहिए। अशोक शेरा, बाड़मेर।